हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टीएम हिंदी। मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि आप एक स्मार्टफोन से किसी भी ट्रेन में कैसे टिकट बुक करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो मैं बता दूं पहले कि IRCTC एक रेलवे की वेबसाइट है जहां रेलवे की टिकटें ऑनलाइन बुक की जाती है। उसी के थ्रू आप मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। उसको आप फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उस पर आप अकाउंट बनाइए। आपको अकाउंट नहीं बनाने आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैं बताया हूँ कि IRCTC पे अपना अकाउंट बनाते कैसे हैं। उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखिए कि मैं IRCTC से अपना टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फ़ोन पे और मैं उसी पे बताने वाला हूँ कैसे टिकट बुक करते हैं। दोस्तों, मैं मोबाइल पे आ चुका हूँ। मैं प्ले स्टोर ओपन करने वाला हूँ और गूगल प्ले में लिखूँगा IRCTC रेल कनेक्ट। आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। तो मैं बैक आऊँगा और एप्लीकेशन पे जाऊँगा और इसे ओपन करूँगा। ट्रेन टिकट पे क्लिक करूँगा। और जो मैं पासवर्ड क्रिएट किया था उसे डाल के लॉगिन करूँगा। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं फ्रॉम में लिखूँगा जहाँ से मेरे को जाना है। मेरे को जाना है छपरा से। तो मैं छपरा यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। ये आ गया छपरा। और मेरे को टू में डालना है जहाँ तक जाना है। मैं नई दिल्ली तक जाना चाहता हूँ तो मैं नई दिल्ली लिखूँगा। और मैं डेट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ किस डेट में जाना है। मेरे को 20 तारीख को जाना है। मैं 20 सेलेक्ट करके ओके कर लूँगा और सर्च ट्रेन पर क्लिक करूँगा। इतनी सारी ट्रेनें आ गई। मैं लीचुई से जाना चाहता हूँ। लीचुई में स्लीपर में सर्च करने वाला हूँ और यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करके कन्फर्म क्लिक करूँगा। एड पैसेंजर करूँगा। मेरा नाम मुकेश है तो मैं मुकेश लिखूँगा। और मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करके नीचे बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ लोअर और डन कर देता हूँ। और पैसेंजर को ऐड करना चाहता है तो फिर से वही प्रोसेस अपनाइए। चलिए नाम लिख देते हैं, एज डाल देते हैं और बर्थ सेलेक्ट करके डन कर देते हैं। अगर मेरे को संदीप को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। आप 6 पैसेंजर का नाम यहाँ पे लिस्ट बना के सेव कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। 6 ही होता है टिकट बुक। चलिए यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर अपना दे देते हैं और बुक बुक टिकट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कैपचेस डाल देते हैं RT6LA। चलिए नीचे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट मोड को सेलेक्ट कीजिए। मैं अदर सेलेक्ट करने वाला हूँ। नीचे भी सेलेक्ट करके नीचे पे का ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट करूँगा इसे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट। मैं पेटीएम वॉलेट से पे करने वाला हूँ तो पेटीएम वॉलेट पे मैं क्लिक करूँगा। आपका जिस मोबाइल नंबर से पेटीएम अकाउंट बना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करिए और पेटीएम में लॉगिन हो जाइए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ पेटीएम वाला और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पे OTP आएगा। जैसे ही OTP मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा और सबमिट करूँगा मेरा टिकट बुक हो जाएगा। मेरा OTP आ चुका है, मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए मेरे को बता रहा है योर करेंट बैलेंस इज 0,0। मेरे में बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो मेरा टिकट बुक हो गया होता। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप देख सकें सबसे पहले वीडियो।